Good morning students, welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapeeth. Today we are going to learn Sanskrit subject chapter 5 Gunavati Kanya A Virtuous Girl. Last lecture mein hum pad rahe the Gunavati Kanya. The story in this lesson is adopted and simplified from Dashkumar Charitam composed by the great poet Dandi. हमने देखा था कि यह दशकुमार चरितम जो कि दंडी के द्वारा रचा हुआ है, महाकवि दंडी ने इसकी रचना की है. In this sixth chapter उच्छ्वास दशकुमार चरितम प्रिंस मंत्रगुप्त. तो ये दशकुमार चरितम के सिक्स नंबर का जो उच्छ्वास है उसमें दशकुमार चरितम में मंत्रगुप्त नाम का एक कैरेक्टर है, एक पात्र है. डिस्क्राइब्स हिज ओन एक्सपीरियंसेस. ही हैज नरेटेड द स्टोरी टू इलस्ट्रेट हिज स्टेटमेंट दार गुणाः प्रिय गुणः प्रियहिताय. कि हमने देखा था कि मंत्रगुप्त एक अपना जो भी अनुभव है वह कहता है, और मंत्रगुप्त एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसके होठ पर ओष्ठ पर इजा हुई है, और वहाँ पर इजा हुई है इसलिए वह प वर्ग के जो पांच फाइव लेटर्स है प फ ब भ म ये बोल नहीं पाता, ठीक तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, और फिर भी वह पूरा वर्णन करता है. तो यहाँ पे दंडी ने इसने कल्पना की है कि जहाँ पे प फ ब भ म इससे शुरू होने वाले लेटर्स कोई भी वर्ड्स हो, तो उसकी जगह पे जब हम ओष्ठ को बंद करें, दोनों होठ को एक साथ मिलाकर न बोले, तो वह प फ ब भ में इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ये हमने बात की थी. तो इस तरह से उसने वर्णन किया है इस दस कुमार चरितम में. हमने देखा थे कि दस अलग अलग कुमार है, उसका वर्णन ये दस कुमार चरितम में किया गया है. यह जो मंत्रगुप्त है यह एक शक्ति नाम शक्ति कुमार नाम का एक कुमार है, उसका जो वर्णन करता है यह इस चैप्टर में लिया गया है. हमने देखा था कि शक्ति कुमार एक सृष्टि पुत्र है, सन ऑफ द मर्चेंट, कि वह मर्चेंट का पुत्र होता है, और ऐसा अपने 22वें वर्ष में 22 ईयर्स ओल्ड वो जब होता है तब वह ऐसा सोचता है कि अब मेरे को विवाह कर डालने चाहिए, कि विवाह के लिए योग्य एक कन्या की ज़रूरत है. तो वह ढूंढने के लिए जाता है और सोचता है कि किस तरह से कोई भी योग्य हो, ऐसी कन्या किस तरह से मिले. तब वह एक प्रस्थ डांगर लेकर वन पेड़ी लेकर जाता है, और उसमें से अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए वह कहता है, और जो भी उससे अच्छे पकवान बनाएंगे उसके साथ वह विवाह करेगा, ऐसी बात होती है. तो हमने देखा था, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर ले. There lived in a city called Kanchi the son of a merchant named Shakti Kumar. When he entered the 22 year of his life, he became worried thinking those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues do not become happy. So how can I get virtues? Wife. So how can I get virtue? Or फिर then thinking deeply, he wandered at various places with paddy tied at the hem of his garment to get a wife. Once he came to a city on the bank of river Kaveri. Here he saw a young girl wearing less ornaments,
near the well. He was overpowered by the wealth of her beauty, thought, my mind is attracted to this girl. तो इस तरह से शक्ति कुमार जो है ए वन पेडी एक प्रस्थ डांगर लेकर चल पड़ता है और फिर ऐसा सोचता है, एक गांव के आगे जाता है और वहां पे एक कुएं के पास में यंग गर्ल वियरिंग अ लेस ऑर्नामेंट्स, थोड़े से जिसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए है, ऐसी कोई कन्या को वह देखता है और वह ऐसा सोचता है कि मेरा मन जो है, मेरा हृदय जो है, इसके प्रति आकृष्ट हो रहा है. तो वह सोचता है, सो टेस्टिंग हर एंड मेकिंग हर प्रपोजल आई विल मैरी हर इफ शी एग्रीज. अप्रोचिंग हर पोलाइटली ही सेड, डू यू हैव अ स्किल टू फीड मी विथ sumptuous food prepared with this one प्रस्थ पेड़ी. कि एक प्रस्थ जो डांगर है, पेड़ी है, उसमें से अच्छी तरह से बनाया हुआ भोजन, एक नहीं लेकिन कितने सारे अलग अलग व्यंजन इतने में से ही बनाकर मेरे को खिलाने हैं, तो वह आप खिला सकती है, ऐसा वह पूछता है. यहां तक हम पढ़े थे. नेक्स्ट, ततः सा ओम इति उक्त्वा प्रस्थमात्रम धान्यम आदाय सृष्टि पुत्रस्य याचनानुसारम कर्तुम प्रवृत्ता. सृष्टि पुत्र जो है, शक्ति कुमार जो है, वह उसको पूछता है कि क्या तुम इसमें से अच्छी तरह से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर खिला पाओगी कि बना पाओगी. एक प्रश्न उसमें वो बना तो बहुत सारा सकती थी, लेकिन चैलेंज क्या था, वह थोड़े से ही डांगर थे और उसमें से सब बनाना था, तीन चार चीजें उसमें से ही बनानी थी जो भी उसको आती हो. सो ततः सा ओम इति उक्त्वा सेइंग यस, ततः सा ओम इति उक्त्वा सेइंग यस एंड प्रस्थ मात्रम धान्यमादाय टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पेड़ी सृष्टि पुत्र से याचना अनुसारम सेइंग शी प्रोसीड टू डू एज ही हैड आस्क हर. सृष्टि पुत्र जो है, शक्ति कुमार, उसने जिस तरह से कहा था वैसे करने के लिए वह तैयार हो गई. इसलिए कहा, ततः सा ओम इति उक्त्वा उक्त्वा सेइंग ओम यस एंड टेकिंग धान्यम आदाय, तो टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पेड़ी सृष्टि पुत्र से याचना अनुसार कर्तुम प्रवृत्त, याचना अनुसारम शी प्रोसीडेड टू डू एज ही हैड आस्क हर. सृष्टि पुत्र ने जिस तरह से कहा था इस तरह से वह करने के लिए तैयार हो गई. सो सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पेड़ी she proceeded to do as he had asked her, saying yes and taking only one prastha pedi, she proceeded to do as he had asked her. Next, ततः सा बुद्धिमती कन्या तान शालिन प्रथमम आतपे तप्तवती. ततः सा बुद्धिमती कन्या तान शालिन धैन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पेडी इन द सन. शालिन जो पेडी डांगर थे, यानी कि जो चावल थे, उसको उसने सबसे पहले सूर्य प्रकाश के नीचे रख दिया उसको अच्छी तरह से वहां पे. तो धैन फर्स्ट That intelligent girl heated the paddy in the sun. सबसे पहले सूर्य प्रकाश से वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके लिए उसको रख दिए. ततः सा बुद्धिमती कन्या तान शालिन, बुद्धिमती कन्या intelligent girl तान शालिन
पेडी शालिन मीन्स पेडी, प्रथमम आतपे इन द सन, आतपे तप्तवती, देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड, तप्तवती मीन्स हीटेड, द पेडी इन द सन, शालिन मीन्स द पेडी. द फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पेडी इन द सन, ततः सा बुद्धिमती कन्या तान शालिन प्रथमम आतपे तप्तवती. देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पैडी इन द सन, सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पैडी, शी प्रोसीडेड टू डू एज ही हैड आस्क हर. सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पैडी, शी प्रोसीडेड टू डू एज ही हैड आस्क हर. देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पैडी इन द सन. ततः समायाम परिशुद्धायाम भूमौ, धैन शी ग्राउंड धैम ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड. समायाम परिशुद्धायाम यानी कि फ्लैट ग्राउंड. सो सेड ततः समायाम परिशुद्धायाम भूमौ तान अघट्टयत, अच्छी तरह से उसको रख दिया जमीन पर. देन शी ग्राउंड धैम ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड, उसको अच्छी तरह से वहां पे रख दिए. अनेन तुषेभ्यः तंडुलाः पृथक् संजाताः, तुषेभ्यः रिजल्ट ऑफ दिस द राइस ग्रेन्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क, जो हस्क थे उसके ऊपर तो उससे वह तंडुल जो है, राइस ग्रेन्स जो है वह अलग हो गए. डांगर जो है वह जो हम चावल होते हैं उस तरह से नहीं होते, उसके ऊपर हस्क होता है, तो उससे अलग करने के लिए उसने उसको सूर्य प्रकाश में रखा और उससे क्या हुआ कि राइस ग्रेन्स वर सेपरेटेड ऑन द हस्क फ्रॉम द हस्क. देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पैडी इन द सन, धैन शी ग्राउंड द ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द राइस ग्रेन्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क. तो इस तरह से उसने सबसे पहले वन प्रस्थ पैडी वह लिए और उसको ग्राउंड पर रख दी अच्छी तरह से, सूर्य प्रकाश से अच्छी तरह से वह तप गए और उससे कारण जो हस्क थे उससे ऊपर से वह निकल गए और अक्षत जो है चावल जो है अलग हो गए. सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पैडी, शी प्रोसीडेड टू डू एज ही हैड आस्क हर. देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हेटेड द पैडी इन द सन, देन शी ग्राउंड धैम ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द राइस ग्रेन्स वे सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क. सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली द प्रस्थ वन प्रस्थ पेडी, शी प्रोसीडेड टू डू एज ही हैड आस्क हर. देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पेडी इन द सन, देन शी ग्राउंड हैम ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द राइस ग्रेन्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क. सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली द प्रस्थ वन प्रस्थ पेडी, शी प्रोसीडेड टू डू एज ही हैड आस्क हर. देन फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पेडी इन द सन, देन शी ग्राउंड हैम ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द राइस ग्रेन्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क. तो इस तरह से
उसने वनप्रस्थ पेड़ी लिया और सबसे पहली जो प्रोसेस जो है इस तरह से उसने की। तंडुलान संप्राप्य सातुषान भूषणानां मार्जनार्थम स्वर्णकाराय विक्रेतुम धात्रिम अकथयत। अब उसके पास ओनली वनप्रस्थ पेड़ी वही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको उसमें जो भी यूज करना है, उसमें तेल, घी या और कुछ भी, मिर्ची, हल्दी, जिसका भी यूज करना हो उसके अंदर, तो उसी में से उसको सब लेना था। उसको सिर्फ वनप्रस्थ पेड़ी दिया गया था। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उसको सन हीटेड उसमें तपाया और फिर उसमें से हस जो उसके थे वो अलग हो गए और चावल अलग हो गए। अब तंडुलान संप्राप्य, अब क्या किया कि तंडुलान संप्राप्य सातुषान हैविंग ऑप्टेन द राइस ग्रेन्स। तंडुलान संप्राप्य हैविंग ऑप्टेन द राइस ग्रेन्स, तंडुलान संप्राप्य हैविंग ऑप्टेन द राइस ग्रेन्स सातुषान भूषणानां मार्जनार्थम शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू सेल द हस्क टू द गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड, क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स और गोल्ड। जो भी चावल होते हैं, डांगर जब होती है और उसके पर जो हस्क होता है, तो वह हस्क को पानी में भिगोया जाता है और फिर उसमें कोई भी ऑर्नामेंट्स को रखा जाता है, तो वह जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के, तो उसके पर जो भी मेल होता है वह अलग हो जाता है और अच्छी तरह से वह चमकने लगते हैं। पहले के समय में जिस तरह से आज उसको ग्लेट किया जाता है, उसी तरह पहले के समय में इस तरह से ये ऑर्नामेंट्स को साफ किए जाते थे। इसलिए उसने गोल्डस्मिथ के पास जाकर उसको, एक दासी थी और लरी नर्स थी, उसको भेजा और वहां पे उसको बेच दिया और उसमें से उसने पैसे कमाए इसके लिए। सो हैविंग ऑब्टेन द राइस ग्रेन्स शी टोल्ड द ओल्डली नर्स टू सेल द हस्क टू द गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स। उसको साफ करने के लिए उसको दिया। तस्मात् यद् धनं मिलति तेन काष्ठानि आहर इति च धात्रीं निवेदवती। तस्मात् यद् धनं मिलति, शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू ब्रिंग फायरवुड। विद द मनी शी वुड गेट काष्ठानि आहर च काष्ठानि आहर ब्रिंग फायरवुड। जो भी बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, तो जलाने के लिए नीचे लकड़ियाँ, पहले के समय में तो ऐसे ऐसे ही लकड़ियों को जलाकर ही कुछ भी पकाया जाता था। तो इसलिए उसने उससे क्या किया कि लकड़ियाँ जो उसके चाहिए थी, तो वह गोल्ड स्मिथ एक को बेचकर उससे जो भी पैसे मिले उससे लकड़ियाँ खरीद ली। शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू ब्रिंग फायरवुड विद द मनी शी वुड गेट। शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू ब्रिंग फायरवुड विद द मनी शी वुड गेट। हैविंग ऑब्टेन द राइस ग्रेन्स शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू सेल द हस्क टू द गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स। शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू ब्रिंग फायरवुड विद द मनी शी वुड गेट। हैविंग ऑब्टेन द राइस ग्रेन्स शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू सेल द हस्क टू द गोल्ड स्मिथ फॉर अ क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स। शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू ब्रिंग फायरवुड विद द मनी शी वुड गेट। उसको जो भी धन मिला है
उससे वह लकड़ियां खरीद ले, ऐसा वह उसको कहती है। फिर धात्री काष्ठानि आनीतवती, तदनंतरम सातंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती, उष्णीकृते जले च तान प्रक्षिप्तवती। द एल्डरली नर्स, धात्री काष्ठानि आनीतवती, धात्री मीन्स एल्डरली नर्स, आनीतवती ब्रॉट काष्ठानि द वुड। तो वह उसको कह दिया कि उससे जो भी तेरे को धन मिला, जो भी पैसे मिले, उससे तू लकड़ियां खरीद कर लेकर आ। इसलिए धात्री काष्ठानि आनीतवती, द एल्डरली नर्स ब्रॉट द वुड। तदनंतरम सा देखो यहाँ पे आनीतवती यह कृदंत है, कर्तरी भूत कृदंत है। अब दो कृदंत के प्रकार जो है वह 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे, संबंधक भूत कृदंत और कर्मणी भूत कृदंत। तो यहाँ पे 5 से 6 कृदंत के प्रकार ग्रामर में आने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ बता देता हूँ कि कर्तरी भूत कृदंत के सभी रूप यहाँ पे है। पहले प्रक्षिप्तवती, ऐसा पहले के पैराग्राफ में आया था, वह आनीतवती, फिर प्रक्षालितवती, तवत प्रत्यय होता है, वह तवत प्रत्यय से यह आनीतवती और प्रक्षालितवती ऐसा बनता है। प्रक्षिप्तवती, संपादितवती, कृतवती, ये सब जो है वह प्रक्षालितवती, फिर प्रक्षिप्तवती, कृतवती, संपादितवती, ये सभी जो है वह कर्तरी भूत कृदंत के क्रियापद है। द एल्डरली नर्स ब्रॉट द वुड, धात्री मीन्स एल्डरली नर्स, आनीतवती मीन्स ब्रॉट द वुड, काष्ठानी मीन्स वुड। तदनंतरम धैन सा शी तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितमती, प्रक्षालितवती मीन्स वॉश्ड, सकृत जलेन प्रक्षालितवती, प्रक्षालितमती मीन्स वॉश, द राइस ग्रेन्स मीन्स तंडुलान, राइस ग्रेन्स मीन्स तंडुलान, असकृत जलेन मेनी टाइम्स एंड पुट देम इन द हॉट वाटर। असकृत जलेन मीन्स हॉट वाटर। तो जब चावल हम बनाते हैं तो उसको हॉट वाटर में, गर्म पानी में उसको धोया जाता है। इसलिए तदनंतरम सा तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती, उष्णीकृते जले च तान प्रक्षिप्तवती। धैन शी वॉश द राइस ग्रेन्स, उसको धोया मेनी टाइम्स, असकृत मेनी टाइम्स, एंड पुट धैम, प्रक्षिप्तवती मीन्स पुट धैम, उष्णीकृते जले मीन्स हॉट वाटर, उष्णीकृते मीन्स हॉट वाटर, असकृत मीन्स मेनी टाइम्स, तो बार बार उसको धोया गया, मेनी टाइम्स। द एल्डरली नर्स ब्रॉट द वुड, देन शी वॉश द राइस ग्रेन्स मेनी टाइम्स एंड पुट धैम इन द हॉट वाटर। द एल्डरली नर्स ब्रॉट द वुड, धैन शी वॉश्ड द राइस ग्रेन्स मैनी टाइम्स एंड पुट धैम द इन द हॉट वाटर। अल्पीयसा काले नैव, उष्णीकृते जले तो प्रक्षिप्त होती, उसको गर्म पानी में रख दिया, फिर क्या हुआ? अल्पीयसा काले नैव तंडुलाः सिद्धाः संजाताः।
इन अ शॉर्ट टाइम, अल्पीयसा कालेन, कालेन मीन्स टाइम, कालेन एव, इस तरह से यहाँ पे संधि है, कालेन प्लस एव, सो अल्पीयसा कालेन एव, कालेन मीन्स टाइम, अल्पीयसा मीन्स शॉर्ट, तो इन अ शॉर्ट टाइम तंडुला सिद्धा संजाता, इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक्ड, सिद्धा मीन्स कुक्ड, संजाता राइस, तंडुला सिद्धा संजाता, द राइस वेर कुक्ड, सो द एल्डरली नर्स ब्रॉट द वुड, धैन शी वॉश द राइस ग्रेन्स many times and put them in the hot water. In a short time, the rice were cooked. उससे क्या हुआ? थोड़े ही समय में वह चावल जो है वह पक गए. फिर क्या कहा? किया? ततः इंद्राणी जलेन शमयित्वा. ततः इंद्राणी, then having extinguished burning pieces of wood with water. Extinguished burning pieces of wood with water and with whatever money she got by sending the coals to those who needed them. Tatah indanani jalena shamitva krishnangaran. Krishnangaran means coal. तो पहले के समय में आज भी यह जो कोल होता है उसका बहुत सारा यूज होता है, बहुत जगह पर यूज होता है. इसलिए वह जो भी जलाई गई लकड़ियां थी उसको पानी से, सभी जलाई हुई लकड़ी को, एस्टिंग्यूस बर्निंग पीसेस वुड विथ वाटर, और फिर उसमें से क्या हो गए? कोल हो गए, अलग अलग कोल से जिसको बोलते हैं. तो वह कोल जो है उसको क्या किया गया? तदर्थी व्यह प्रेषितवा, जिसको भी चाहिए थे उसको वह बेच दिए, वो लकड़ी से जो कोल हुआ उसको बेच दिए और उसमें से उसने पैसे कमाए. इसलिए कहते हैं इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक्ड, देन हैविंग एक्सटिंग्विश्ड बर्निंग पीसेस ऑफ वुड with water and with whatever money she got by sending the coal those who needed them, कि जिसको भी चाहिए थे उसको उसने कॉल को बेच दिया, उसको दे दिए. तदर्थिभ्यः प्रेषयित्वा sending, प्रेषयित्वा means sending the coal to, तदर्थिभ्यः means whatever वो needed them, जिसको चाहिए थे, जो चाहते थे उसको needed them, और उससे यद धनम लब्धम, उससे जो भी पैसे मिले, यद धनम लब्धम तेन धनेन शाकम घृतम दधि, she bought vegetables, घृतम घी, दधि ऑयल एंड कर्ड, दधि मीन्स कर्ड, और दधि तेलम मीन्स कर्ड, और कृतवती मीन्स बॉट, शी बॉट वेजिटेबल्स घी ऑयल एंड कर्ड, तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती, और उससे इट शी प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेस, जिसको वन पेड़ी प्रस्थ, एक प्रस्थ डांगर ही दिया था, और उससे अपनी इंटेलिजेंट गर्ल, अपनी बुद्धि से किस तरह से उसने कितने सारे अलग अलग वस्तुएं चीजें खरीदी, और उसमें से सिर्फ चावल बनते उसकी जगह पर कितनी सारी डिशेस उसने तैयार की. सबसे पहले लकड़ियां खरीदी, उससे कॉल से
उसने दही लिया, घी लिया, तेल लिया, वेजिटेबल्स लिए, तो उससे तो फिर अलग अलग डिशेस बनती है। इसलिए कहते हैं शी बॉट घी, वेजिटेबल्स, घी, ऑयल एंड कर्ल, एंड विथ इट शी प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेस। बहुत सारी डिशेस जो है उसने बनाई। द एल्डरली नर्स बॉर्ड द वुड, धैन शी वॉश द राइस ग्रेन्स मैनी टाइम्स एंड पुट धैम इन द हॉट वाटर। इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक्ड, धैन हैविंग एक्सटिंग्यूश्ड बर्निंग द पीसिस ऑफ वुड विथ वाटर एंड विथ वॉट एवर मनी शी गॉट बाई सेंडिंग द कॉल्स टू धोज हू नीडेड धेम, शी बॉट वेजिटेबल्स, घी, ऑयल एंड कर्ल, एंड विथ इट शी प्रिपेयर वेरियस डिशेस। द एल्डरली नर्स बॉट द वुड, धैन शी वॉश द राइस ग्रेन मैनी टाइम्स एंड पुट धैम इन द हॉट वाटर। इन शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक्ड, धैन हैविंग एक्सटिंग्यूश्ड बर्निंग पीसेस ऑफ वुड विथ वाटर एंड विथ वॉट एवर मनी शी गॉट बाई सेंडिंग कॉल टू दोज हू नीडेड धैम, शी बॉट वेजिटेबल्स, घी, ऑयल एंड कर्ड, एंड विथ इज शी प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेस। फिर से एक बार जितना पढ़े वो, सेइंग यस एंड टेकिंग ओनली वन प्रस्थ पैडी, शी प्रोसीडेड टू डू एज ही हैड आस्क हर। धैन फर्स्ट द इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड द पैडी इन द सन, धैन शी ग्राउंड धैम ऑन द फ्लैट और इवन ग्राउंड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द राइस ग्रेन्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क, हैविंग ऑब्टेन्ड द राइस ग्रेन्स शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू सेल द हस्क टू द गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स। शी टोल्ड द एल्डरली नर्स टू ब्रिंग फायरवुड विथ द मनी शी वुड गेट। द एल्डरली नर्स ब्रॉट द वुड, धैन शी वॉश द राइस ग्रेन मैनी टाइम्स एंड पुट धैम इन द हॉट वाटर। इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक्ड, धैन हैविंग एक्सटिंग्यूश्ड बर्निंग pieces of wood with water and with whatever money she get by sending the calls to whatever those who needed them, she bought vegetables, ghee, oil and curd and with it she prepared various dishes। इस तरह से उसने बहुत सारी डिशेस जो है वह तैयार की। संपन्ने आहारे सा कन्या धात्री मुखेन अतिथये प्रथमं स्नातुं निवेदितवती। तो बाहर से जो भी मेहमान आए थे तो उसको वह वदासी को भेजती है। संपन्ने आहारे, वैन द फूड वॉज रेडी। संपन्ने आहारे मीन्स वैन द फूड वॉज रेडी। सा कन्या द यंगल आस्क द गेस्ट थ्रू द एल्डरली नर्स, उसने नर्स के द्वारा कहलवाया टू टेक अ बाथ, कि सबसे पहले स्नान किया जाए। यहाँ पे भी यह जो निवेदितवती यह जो है
ये कर्तरी बुद्ध कृदन का क्रियापद है. When the food was ready, the young girl asked the guest through the elderly nurse to take a bath. ततः स्नान शुद्धाय. Then to get to the guest who had cleaned himself by taking bath. ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये means then to the guest who had cleaned himself by taking bath. सा पेयोपहार पूर्वं भोजनम्. She gave rice and other dishes with the ghee after first offering beverage and snacks. पेयोपहार पूर्वकम् कि पेय उपहार means पीने जैसे सूप है, पानी है, ऐसे जो भी छाछ है, अलग अलग बटर मिल्क है या मिल्क है, उसके साथ उसको भोजन दिया गया. घृत सहितम ओदनम means with ghee. व्यंजनम च अयच्छत. She gave rice and other dishes with ghee after first offering beverages and snacks. ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये. Then the guest who had cleaned himself by taking bath, she gave rice and other dishes with ghee after first offering beverages and snacks. When the food was ready, the young girl asked the guest through the elderly nurse to take a bath. Then to the guest who had cleaned himself by taking bath, she gave rice and other dishes with ghee after first offering beverage and snacks. तो इस तरह से सब जो भी बनाना था उसको, वह सब आहार जो है वह पक कर तैयार हो गया. फिर वह पकाया हुआ सभी डिशेस जो अलग अलग थी, वह जो भी मेहमान आए हुए थे, अतिथि गेस्ट थे, उसको खिलाया, परोसा गया और खिलाया. मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथेः भोजन रुचिम् अपि अवर्धयत्. मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा. इन बिटवीन द यंगल इवन वीटेड द गेस्ट्स desire for the meal by describing the various food items. तो बीच बीच में वह क्या करती थी कि कोई भी डिश तैयार की गई है तो वह डिश कैसे तैयार की गई, उसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स यूज किए गए, उसको किस तरह से बनाते हैं, यह सब बातें भी वह कहती थी जिससे ज्यादा खाने की इच्छा हो. So in between the young girl even waited the guest desire for the meal by describe the various food items. भुक्ते तु तस्मिन् अतिथो तया ताम्बूलस्यापि व्यवस्था कृत्वा. फिर वह खा लिया गया items and other things. उसके बाद when the guest had finished with the meal, भुक्ते तु तस्मिन् अतिथो means when the guest had finished with the meal, the arrangement of a betel was also made by her. Tambulasya bhi kuch mukhvas ki bhi vyavastha ki gayi aur vah mukhvas jo usne apne haath se banaya tha. In between the young girl even waited the guest desire for the meal by
Describe the various food items and other things. When the guest had finished with the meal, the arrangement of a battle was also made by her. जो उसने अपने हाथ से बनाया था, ऐसा जो भी मुखवास था, वह उसने उसको परोसा, उसको दिया। खाने के बाद में उसकी भी व्यवस्था, पान वगैरह की व्यवस्था भी उसने की थी। एवं स्वकीयया गुणसंपदा प्रस्थ परिमितेन धान्येन विविधानि व्यंजनानि विरचितवतीं कन्यां प्रति समाकृष्टः शक्तिकुमारः विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्। इन दिस वे एवं स्वकीयया गुणसंपदा शक्तिकुमार वाज अट्रैक्टेड समाकृष्टः शक्तिकुमारः। इन दिस वे शक्तिकुमार वाज अट्रैक्टेड टू द यंग वु prepared various dishes with only one prasth paddy using her wealth of qualities made a proposal was accepted by the young girl vivahasya prastavam krutvan kanyaya svikrute prastave tvam vidhivat upagamya swagaram swanagaram anayat। यहाँ पे स्व नगरम प्लस अनयत, मैरिंग हर अकॉर्डिंग टू राइट्स शक्तिकुमार टुक हर टू हिज होम सिटी। जो विधिवत जिस तरह से होते हैं उस तरह से उसके साथ विवाह किया और शक्ति कुमार उसको अपने साथ ले गया। इन दिस वे शक्ति कुमार वॉज अट्रैक्टेड टू द यंग गर्ल वो प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेस विथ ओनली वन प्रस्थ ऑफ पेडी यूजिंग हर वेल्थ ऑफ क्वालिटीज मेड प्रपोजल वॉज एंड एक्सेप्टेड बाय द यंग गर्ल मैरिंग हर according to rights shakti kumar took her his own city swarnagaram apne shahar mein usko lekar gaya। in this way shakti kumar was attracted to the young girl who prepared various dishes with only one prasth of paddy using her wealth of qualities and made a proposal was accepted by the young girl marrying her according to rights shakti kumar took her to his own city। to is tarah se shakti kumar ne jo challenge diya tha ki ek prast pedi dangar se bahut sari vyanjan ya dishes banayi jaye aur vah हमको खिलाई जाए, वह अच्छी लगे तो मैं उसके साथ विवाह करूंगा। तो उसी तरह से उस कन्या ने वह प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय द यंग गर्ल एक्सेप्ट किया और उससे बहुत सारी डिशेस बनाई और उसको खिलाया। सो मैरिंग हर अकॉर्डिंग टू राइट शक्ति कुमार टुक हर टू हिज ओन सिटी। इस तरह से उसने कन्या के साथ विवाह किया। तो एक सृष्टि पुत्र सन ऑफ मर्चेंट है शक्ति कुमार, जिसने इस तरह से एक कन्या के साथ विवाह करने के लिए एक चैलेंज रखी थी और उसको एक्सेप्ट की और विवाह किया। तो यहाँ तक ही यह चैप्टर है। ये चैप्टर जो है उसका ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम उसकी जो भी एक्सरसाइज है वह देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तरतः गिव द आंसर इन संस्कृत फुल सेंटेंस। सृष्टि पुत्रस्य नाम किम् आसीत्, सृष्टि पुत्रस्य नाम किम् आसीत्, सृष्टि पुत्रस्य नाम
शक्ति कुमारः, सृष्टिपुत्रस्य नाम शक्ति कुमारः आसीत्। सृष्टिपुत्रस्य नाम किम् आसीत्? सृष्टिपुत्रस्य नाम शक्ति कुमारः आसीत्। देशान् भ्रमन् एकदा शक्ति कुमारः कुत्र समागतः? देशान् भ्रमन् शक्ति कुमारः एकदा कावेरी तीरपत्तने समागतः। कावेरी नदी के तट पर एक नगर होता है, वहां पे वह जाता है। सुसैर देशान भ्रमन शक्ति कुमारः एकदा कावेरी तीरपत्तने समागतः। थर्ड क्वेश्चन इज, शक्ति कुमारः वीरलभूषणाम कुमारेम कुत्र अपश्यत्? शक्ति कुमारः वीरलभूषणाम कुमारीम कूपे अपश्यत्, उसको एक कुएं के पास उसने देखा। सो शक्ति कुमारः वीरलभूषणाम कुमारीम कूपे अपश्यत्। सृष्टि पुत्रस्य नाम शक्ति कुमारः आसीत्। सेकंड क्वेश्चन इज, देशान भ्रमन शक्ति कुमारः कुत्र समागतः? तो सो देशान भ्रमन शक्ति कुमारः एकदा कावेरी तीरपत्तने समागतः। शक्ति कुमारः वीरलभूषणां कुमारीं कुत्र अपश्यत्? शक्ति कुमारः वीरलभूषणां कुमारीं कूपे अपश्यत्। कन्या तंडुलान केन प्रक्षालितवती? कन्या तंडुलान जलेन प्रक्षालितवती। कन्या तंडुलान जलेन प्रक्षालितवती, किससे उन्हें उसने जो पेड़ी थे चावल थे किससे उसको धोए थे? सो जलेन। फिर है भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनम कृत्वा कन्या किम कृतवती? सुभोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनम कृत्वा अतिथेः भोजन रुचिम वर्धितवती अवर्धयत, उसकी भोजन में रुचि जो थी उसको बढ़ाया। भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनम कृत्वा कन्या अतिथेः भोजन रुचिम अवर्धयत वा वर्धितवती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन, आंसर इन इंग्लिश। व्हाट डज शक्ति कुमार थिंक व्हेन ही बिकेम 22 ईयर ओल्ड? फर्स्ट पैराग्राफ में आता है कि वह 22वें वर्ष में प्रवेश करता है तब क्या सोचता है। सो व्हेन शक्ति कुमार बिकेम 22 ईयर ओल्ड thought man who have no wife with the suitable qualities are not happy, so how can I find a virtuous girl? When Shakti Kumar became 22 years old, he thought man who have no wife with suitable qualities are not happy, so how can I get or find a virtuous wife? What was Shakti Kumar's planning to test an excellent girl? Shakti Kumar wanted to find a suitable bride for himself. According to his plan, a girl who cloud prepared and feed various food items dishes from only one paddy would be a virtuous girl from him. Third question, which things does the girl sell? What does she get in return? The girl dehusks the paddy. First, dehusks the paddy. With the husk sold to the goldsmith, she got some money, with which she bought firewood. Then she cooked
राइस इन द बॉइल्ड वॉटर. व्हेन द राइस वॉज रेडी शी स्प्रिंकल वॉटर ऑन द फायर एंड सॉल्व द कॉल टू द बेगर्स. एंड विद द मनी शी बॉट ऑयल वेजिटेबल्स घी एंड कट्स. देन शी प्रिपेयर्ड मैनी फूड आइटम्स. तो इस तरह से अलग अलग जो डिशेज थी उसने बनाई. इन वॉट वे डिड द गर्ल इंक्रीजेस शक्ति कुमार लाइकिंग फॉर मील. व्हेन सर्व्ड द फूड आइटम्स प्रिपेयर्स बाय हर टू शक्ति कुमार शी डिस्क्राइब द डिशेज इन द इंटरेस्टिंग मैनर. हर डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन मेड शक्ति कुमार लाइक एवरी आइटम्स. उसने बताया कि किस तरह से इसको बनाया गया है, कौन कौन से वेजिटेबल इसमें यूज किए गए हैं. तो इस तरह से उसने शक्ति कुमार को सब व्यंजन पसंद आए. शक्ति कुमार वॉट अट्रैक्टेड शक्ति कुमार टू प्रपोज द गर्ल फॉर मैरिज. शक्ति कुमार माइंड वॉज ऑलरेडी अट्रैक्टेड बाई द गर्ल्स ब्यूटी. But when she passed the test of preparing many dishes with only one paddy, he was impressed by her qualities. He noticed that she was frugal experts in cooking as well as in conversation. She was courteous and had good manner. Her qualities convinced him that she would be an ideal housewife, so he proposed by the girl for marriage. So two, now complete the English question answer. Short note. इस चैप्टर में से दो शॉर्ट नोट है जो कि पेपर स्टाइल में हमारे शॉर्ट नोट आते हैं. फर्स्ट इज शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर द टेस्ट, कि किस तरह से उसकी परीक्षा लीजिए, उसका कैसे प्लान उसने किया था, वह फर्स्ट शॉर्ट नोट है. शक्ति कुमार वांटेड टू मैरी अ वर्चुअस गर्ल हु वुड मेक एन आइडियल वाइफ फॉर हिम. ही मेड अ प्लान टू टेस्ट द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड. When he saw a young girl sitting at the well on the bank of the river Kaveri, he thought of implementing his plan. According to his plan, if the girl could make many food items with only one paddy, that he gave her and please. him she would be a right girl for him. One prasth paddy he gave, उसको एक प्रस्थ पेड़ी दिया जाएगा और उससे जो बहुत सारी आइटम बनाएगी तो वह उसके लिए योग्य है. प्लानिंग ऑफ एक्सलेंट गर्ल. शक्ति कुमार गेव ओनली वन प्रस्थ पेड़ी टू द यंग गर्ल एंड आस्क फॉर वेदर शी हैड द स्किल टू प्रिपेयर अ sumptuous मील फॉर हिम. With that, she accepted the challenge. She first dehusked the grains and by heating them in the light of the sun and grinding them, she asked her attendant to sell the husk to the goldsmith and buy firewood with the money. Then she washed the rice grains and boiled water. She extinguished the fire and salted the coal to the vegetables, oil, ghee and curd. She prepared many dishes. She served them to Shakti Kumar, made him interested in them by describing each and every dish in an interesting manner. After that meal,
शी ऑफर्ड इवन अ बैटर। तो इस तरह से वो डिशेस बनाती है और उसके बाद भी उसको मुखवास या पान उसकी व्यवस्था भी कर देती है। तो जो भी चैलेंज थी उसको उसी तरह से उसने एक्सेप्ट किया और उसमें वो पास हुई, इसलिए शक्ति कुमार ने उसके साथ विवाह किया। सो नाउ कंप्लीट द चैप्टर विथ एक्सरसाइज। जो आज फिफ्थ चैप्टर गुणवती कन्या यह हम पढ़े, तो आपको होमवर्क में आज का जो भी ट्रांसलेशन है और यह एक्सरसाइज है उस क्वेश्चन आंसर वह वन टाइम होमवर्क में लिखने हैं। एक बार आपको होमवर्क में यह सब लिख के लाना है। थैंक यू।